दोस्तों नमस्कार। सर्दियों के मौसम में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता है वैसे ही कई तरह के रोगों का खतरा भी बढ़ने लग जाता है। इन्हीं में से एक है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। सर्दियों के महीनों में कुदरती तौर पर शरीर में आने वाली सुस्ती, कुछ अधिक भूख लगने से सोडियम का अधिक सेवन और तापमान में कमी आने से हमारी रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने या संकुचित होने से हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ठंड का सामना करने और गर्मी बढ़ाने के लिए हमारा शरीर रक्त प्रवाह नियमित करने लग जाता है, इसी से रक्तचाप पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं पवन शर्मा आपसे इसी विषय पर अहम जानकारी साझा करूंगा कि आप कैसे कुछ आसान तरीकों से अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सीमित मात्रा में लिया गया पौष्टिक आहार और स्वस्थ कार्यशील दिनचर्या अपनाना बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स कौन से हैं जो हमारे शरीर को भरपूर पोषण देने के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार साबित हुए हैं। इनमें एक है मेथी, जिसके बीज में एक बेहद घुलनशील पदार्थ होता है जो कोलेस्ट्रॉल और LDL को भी कम करता है। मेथी के बीज और पत्तियों में सोडियम की मात्रा भी बहुत कम होती है। मेथी को पीस कर काफी देर तक स्टोर भी किया जा सकता है और इसका सेवन ब्लड शुगर को कम करने में भी सहायक है। दोस्तों अधिक रेशेदार यानी फाइबर वाला आहार भी हमें नियमित तौर पर लेते रहना चाहिए। ये हमारा पाचन सुचारू बनाकर हमें उच्च रक्तचाप से बचाता है। सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन होती हैं। ये सभी प्राकृतिक रूप में आपको हाइपरटेंशन से मुक्त रहने में मदद करते हैं। इनसे शरीर में ज्यादा सोडियम भी नहीं जाता। उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए आप अपने आहार में इन दिनों पालक, गाजर, गोभी, केला, सौंफ, मूली, खीरा और सरसों का साग जरूर शामिल करें। ये सभी प्राकृतिक रूप से आपको हाइपरटेंशन से मुक्त रहने में मदद करते हैं। दोस्तों इसमें चुकंदर का सेवन भी बड़ा लाभकारी है, जिसके एंटीऑक्सीडेंट और अन्य गुणकारी घटक कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक हैं और रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। एक और आसान उपाय है सुबह और शाम के समय कच्चे लहसुन यानी गार्लिक का सेवन। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में लहसुन भी रामबाण का काम करता है। आप इसे दैनिक आहार में मसाले के रूप में या सलाद और घर में बनाए गए एक अचार के रूप में भी प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों सर्दियों में कुछ फलों का सेवन भी आपके लिए बेहद जरूरी है, जो न सिर्फ सर्दी, जुकाम और खांसी जैसे प्रकोप से आपको बचाएंगे, साथ ही ये हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को भी दूर रखने में बहुत मददगार होते हैं। इनमें शामिल है संतरा, किन्नू, अमरूद, अंगूर और पपीता। इन ताज़ा फलों या इनका घर ही में जूस तैयार करके आपको परिवार सहित सेवन करना चाहिए। ये सभी कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप को कम करके आपको सर्दियों में भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हैं। नींबू के रस और सलाद में थोड़ा काला नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर सेवन करना भी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थे उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक कुछ सुपर फूड्स की जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन पैनल पर बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।